पिछली कड़ी में आपने राजीव भाई के जीवन से जुड़े हुए किस्से 10 से 15 वर्ष की आयु के बीच के जाने। इस कड़ी में हम जानेंगे 15 से 20 वर्ष, और ये उम्र एक ऊर्जा का दौर होता है, व्यक्ति में बहुत परिवर्तन आते हैं। तो माता जी, आप सबसे पहले तो कोई ऐसी घटना जो 15 वर्ष से 20 वर्ष की आयु में घटित हुई हो, जो बार बार आज भी आपको याद आती है। जब वो इंटर पास करके गए थे यहाँ से इलाहाबाद, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको कहाँ एडमिशन कराएं, कहाँ क्या कराएं। तो हमारे पड़ोस में रहते थे, उनको हम ज़्यादा चाहते थे, वो हमें भी ज़्यादा चाहते थे। हमें मतलब बुआ कहते थे, वो भतीजा। तो उन्होंने कहा, आप क्यों परेशान हैं फूफा जी या बुआ जी, मेरा भाई रहता है ना इलाहाबाद में, वहाँ पहुँचा दो राजीव को, इसकी होशियारी देख के। तो हमने सोचा कि वहाँ कैसे पहुँचा मैं, हमारी तो कोई सोर्स नहीं है। कि आप, मैं पर्चा लिख के देता हूँ, इस पर्चे को ले जा, मेरा भाई एकदम आपको मदद करेगा। तो लेकर के गए, तो उनके भाई ने वास्तव में मदद करी और एडमिशन वहाँ राजीव का कराया। और एडमिशन कराने के साथ साथ में वो ये भी बोले कि मैं कोई वैसे एडमिशन नहीं, इसकी योग्यता के अनुसार आप एडमिशन करें, मेरी तरफ से मैं सिफारिश नहीं करूंगा, मेरी तरफ से इसको एडमिशन ना करें, इसकी पहले योग्यता देखें तब आप एडमिशन। तो उसकी योग्यता के अनुसार ही उसका इलाहाबाद में एडमिशन। कौन सी कक्षा में माता जी? इंटर के बाद बीएससी में। इलाहाबाद का कौन सा कॉलेज था बाबू जी जिसमें वो पढ़े? इलाहाबाद का कॉलेज याद है आपको? मैं बता दूंगा। तो माता जी, उसके बाद जब वो चले गए तो आपसे कितने दिन में बात होती थी, या आप कभी मिलने जाते थे? नहीं बेटा, कहाँ, चिट्ठी पत्री से बात होती थी, पहले फोन नहीं थे। तो आप चिट्ठी लिखते थे? भैया ही भेजता था ज्यादातर, भैया भेजते, राजीव भाई लिख के चिट्ठी भेजते थे आपको। तो क्या लिखा होता था उन चिट्ठियों में? पहले पूज्य माता जी, फिर पिताजी, सादर चरण स्पर्श, फिर अपना हाल बताते थे जो भी जैसा होता था। और इन दिनों में बेटा, जब राजीव गए थे तो हम 500 रुपया देते थे इसको गुजारा करने के लिए। फिर ये 2-3 साल बाद प्रदीप को ले गए, प्रदीप ने 8वीं ही पास करी थी, तो इसको भी ले गया था मम्मी, मैं इसको भी। जिस समय राजीव भाई ग्रेजुएशन कर रहे थे, बीएससी कर रहे थे, उस समय प्रदीप भाई 8वीं कक्षा में थे, तो प्रदीप भाई को भी साथ ही राजीव भाई ले गए जी। और इसका सैनिक स्कूल में एडमिशन कराया जी। उसके बाद फिर वहाँ इसकी पढ़ाई शुरू की, और ये कैप्टन भी बनने को तैयार था जी। अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन ये अपनी तैराकी की इसकी ज़्यादा शौक लग गया, तैरने का जी। तो नहीं गया वहाँ, तैराकी में इतना शौक लग गया तो वहाँ नहीं जा पाया, पेपर नहीं दे पाया जी। और फिर आगे जाने के लिए फिर बाद में फिर ऑफर आया इसका जी, तो बोला अब मेरा मन उछट गया, अब नहीं जाऊंगा। ये भी नहीं गए। तो राजीव भाई तो थे ही आंदोलन में, धीरे धीरे पड़ गए थे, ये भी धीरे धीरे उनके साथ पीछे उनके पीछे पीछे भाई के साथ साथ चल दिए। तो ये दोनों गए थे, तो हम फिर 800 रुपया कर दिए थे, 800 रुपया देते। उसके बाद भी गुजारा नहीं होता था, राजीव भाई ट्यूशन करते थे बच्चों को, ट्यूशन पढ़ाते थे बिना बताए कि पिताजी माता जी को कुछ परेशानी ना हो, दिल ना दुखे। तो ट्यूशन करके अपना पेपर बहुत खरीदते थे, पेपर पता नहीं कितने पेपर थे, सब पेपर देख देख के कटिंग कर करके, देख के कटिंग कर करके क्या करते रहते थे ये पता नहीं। अखबार में कटिंग करते थे वो जो भी काम की चीज काम थे, लेते थे। तो यहाँ करते करते एक बनवारी लाल जी, हमारे रिश्तेदार समझो या अच्छे समझो प्रोफेसर थे, उनके अंडर में रहे जी। उनको आजादी बचाओ का ज्यादा शौक था जी, चलाने का आंदोलन का, तो उनके अंडर रह करके इनमें भी ऐसे ही गुण पड़ गए, आजादी बचाओ आंदोलन में आ गए, आजादी बचाओ आंदोलन। और उनके साथ करते 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 वो थोड़ा सा अलग हो गए जी, ये थोड़ा सा फिर अलग हो गए, विचार अलग हो गए, विचार गुरु जी के और शिष्य के विचार थोड़ा अलग हो गए जी। तो ये माता जी ने बताया 15 से 20 वर्ष की आयु में बीएससी कैसे करी, और पढ़ते पढ़ते किस तरीके से औरों को पढ़ाना और उनके जीवन में परिवर्तन का दौर। बाबू जी, आपको कोई बात याद हो बीएससी के दौरान की, तो किस तरीके से क्रांतिकारियों के परिवारों को संघर्ष झेलना होता है। माता जी, एक और प्रश्न, बाबू जी सरकारी नौकरी में थे,
क्या अध्यापक थे क्या थे? नहीं नहीं, वीडियो था, वीडियो वीडियो थे, वीडियो। तो उस समय कितना वेतन मिलता था? बहुत कम ही मिलता था बेटा, जैसे 500-700 रुपए तो आप राजीव भाई के लिए भेज रहे। 75 रुपए पर नौकरी, शुरू बात में 75 रुपए महीने पर नौकरी किया चाचा जी ने, 75 रुपए पे नौकरी, वीडियो थे ये, शुरू बात से। तो आप सोच सकते हैं कि कितना संघर्ष रहा होगा, कि उस समय 75 रुपए सैलरी होती थी और बाद में धीरे धीरे समय बदला है। तो अगली कड़ी में जानेंगे कि जब राजीव भाई ने के अंदर क्रांति की वो ज्वाला बीज रूप में जो बनवारी लाल जी के माध्यम से वो बीज पैदा हुआ और उसके बाद वो कैसे वो बीज एक वृक्ष का रूप लेता है, अगली कड़ी में जानेंगे। जब राजीव भाई 20 वर्ष से और 30 वर्ष के बीच में थे, उस समय क्या क्या घटनाएं घटी वो माता जी से पिताजी से जानेंगे। और इस श्रृंखला का मेरा इतना ही उद्देश्य है कि किस प्रकार से जो लोग राष्ट्र के लिए काम करते हैं उनका संघर्ष कितना बड़ा होता है, और चंद क्षणों में बिना मनोस्थिति के समझे लोग सब कुछ मटिया मेट कर देते हैं। जिस समय हमारा जेल जाना हुआ उस समय हमने बहुत सारी चीजें देखी, प्रदीप भाई जिस समय जेल गए उनके प्रकरण को भी हमने देखा, लोगों को बदलते हुए देखा, और जो पूरा जीवन लगा दिया प्रदीप भाई ने, राजीव भाई ने, उनके माता पिता ने राष्ट्र के लिए, मात्र क्षण भर में। हमने तो कुछ भी नहीं किया इस राष्ट्र के लिए, लेकिन इन्होंने तो अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। एक एक बार भी ये शब्द किसी के जवान पे नहीं आए कि जिस व्यक्ति का जवान भाई इस राष्ट्र के लिए कुर्बान हो गया हो, भला क्या वो चंद पैसों के लिए कुछ गलत करेगा। उनकी वाणी मुझे बार बार आक्रोश इतना आता है कि मैं आपको कह नहीं सकता। मेरा मन तो ऐसा करता है ऐसे लोगों की मैं गर्दन उतार दूं, लेकिन मजबूरी है क्योंकि जेल जाके आया हूं मैं, देख के आया हूं वहां के माहौल, तो बहुत परिवर्तन भी हुआ है मेरे अंदर। तो अगली कड़ी में जानेंगे कि हमारे गुरुवर जिस समय 20 से 30 वर्ष के थे उस समय क्या थे कैसे थे। वंदे गो मातरम, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।